नमस्कार, आप देख रहे हैं PNN24 न्यूज। वाराणसी से एक बड़ी खबर आपके सामने पेश है। उत्तर प्रदेश पुलिस अक्सर ही अपने कारनामों के वजह से चर्चा में रहती है। इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस का एक दरोगा रंगे हाथों घूस लेता हुआ पकड़ा गया है। वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के सोनिया चौकी इंचार्ज महेश सिंह को एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते हुए उन्हीं की चौकी से रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दरोगा महेश सिंह सोनिया चौकी इंचार्ज के तौर पे पोस्टेड हैं और एक मुकदमे में वादी मुकदमे से लगातार दबाव बना के घूस लेने का आरोप उनके ऊपर है। बताते चलें कि दरोगा महेश सिंह इससे पहले आदमपुर थाना क्षेत्र के हनुमान फाटक चौकी इंचार्ज हुआ करते थे। उस समय भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था घूस लेता हुआ। इस मामले से बचते हुए दरोगा महेश सिंह लोता में भी काफ़ी चर्चा का विषय रहे और उसके बाद ट्रांसफर होकर के जनसा थाना क्षेत्र में भी इनके कारनामे चर्चा में रहे। आज ये पहली बार एंटी करप्शन सेल के हत्थे चढ़े हैं। आइए आखिर देखते हैं कि किस मुद्दे पे ये पैसा ले रहे हैं। मामले में पीड़ित राजकुमार गुप्ता का ये बयान देखिए। राजकुमार गुप्ता, नाम फिर से बोलिए। राजकुमार गुप्ता जी, क्या मामला है अभी? क्या मामला ये था कि मैं कुरियर कंपनी में काम करता हूँ, ओवरनाइट एक्सप्रेस लिमिटेड में। इसका ऑफिस जो है कुबेर कॉम्प्लेक्स के बगल में भगवानदास नगर कॉलोनी में है। तो वहाँ जो है मेरे अंडर में एक आदमी काम करता था, तो जो है उसने जो है मतलब पार्सल वगैरह लेके जाता था, डिलीवरी कराता था और रिसीविंग सब ला के हम लोग को देता था। तो 3-4 साल से वो काम किया उसने हमारे साथ, तो 2.5 साल तो बढ़िया से ठीक ठाक काम किया। और उसके बाद फिर जो है उसके बाद उसके मन में कुछ खोट आ गया, तो उसने जो है पार्सल गायब करने शुरू कर दिए। तो रिसीविंग फर्जी ला के हम लोग को देने लगा। तो शुरू में तो हम लोग नहीं समझ पाए, लेकिन बाद में जो है धीरे धीरे जब पार्टियों की शिकायत आनी शुरू हो गई, भाई हमारा माल नहीं पहुँचा, हमारा माल नहीं पहुँचा, 2-4-6 मामले आए सामने। तो फिर हमने इनकी इंक्वायरी शुरू की, भाई आखिर क्या मामला है, सारी पार्टियाँ तुम्हारी शिकायत कर रही हैं। कहा नहीं सर, हमने पहुँचा दिया है, ऐसा है वैसा है, पार्टियाँ झूठ बोलना, इस तरीके की बात करने लगा। लेकिन इतनी ज़्यादा पार्टियों ने इसकी कंप्लेंट की कि हम लोगों को ये लगा कि गिल्टी यही आदमी है। तो फिर बड़ी मतलब मुश्किल से जो है उसने कबूला, मतलब ये हमने ऐसे ऐसे किया है, बड़ा प्रेशर डालने पर बहुत मतलब हम लोग इसके घर तक भी गए, सब कुछ जो है बहुत मतलब पापड़ बेलने पड़े कबुलवाने के लिए। और उसके बाद फिर जो है हमने उसके ऊपर केस भी कर दिया। अब इस सिलसिले में कंपनी ने जो हमारा 1.5 साल से पूरा पेमेंट रोक रखा है। तो अब जो है जब केस हुआ तो फिर इसकी विवेचना केस की जो इंस्पेक्टर साहब ही कर रहे थे, महेश सिंह जी। तो फिर उस केस के सिलसिले में इनकी मतलब कुछ डिमांड थी हमसे। अब मैं चूँकि भाई अब 1.5 साल से मेरा बिल्कुल पेमेंट रुका हुआ है, मैं खाने दाने दाने को मोहताज हूँ इस समय, मैं कहाँ से इनकी पेमेंट देता है। तो मैंने इनसे बड़ी रिक्वेस्ट की लेकिन ये नहीं माने। कितनी डिमांड? अब इन्होंने यही कहा, देखिए इतना लंबा केस है, 15-20 लाख का केस है, अब आप जो है जो अपना सोच समझ के भाई ठीक ठाक अपना दे दीजिए। तो ये सारी बातें थी। तो हमने कहा सर अब ऐसा है, जो भी कुछ मैं कर पाऊँगा होली बाद ही कर पाऊँगा। तो होली के पहले जो इन्होंने उसकी गिरफ्तारी कर ली, और गिरफ्तारी के बाद फिर इन्होंने हमको फ़ोन किया कि भाई आप आइए हमसे मिलिए। तो हमको जाना पड़ा, गया था, मैंने इनको दे दिया कि मैं सर फिलहाल इतना ही मेरे पास है, और वो भी उधार लेके मैं गया था किसी को, तो वो मैंने दे दिए, उन्होंने रख लिए। फिर उन्होंने कहा भाई देखिए ऐसा है कि अब जल्दी होली बाद हमसे मिलिए। तो फिर भाई आज जो है मैंने उनको जो है फ़ोन किया कि भाई सर आप कहाँ हैं। तो ये सारी बातें हुई, फिर ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ। आज कितना देने का, कैसे आप टिकट रखते हैं? मैं सर असल में ऐसा है कि मैं समता समाजवादी कांग्रेस पार्टी का महानगर अध्यक्ष हूँ, और मैंने CPIB माने क्राइम प्रिवेंशन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के लोगों से संपर्क साधा, तो उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया कि मैंने इस तरीके से अगर आप करेंगे तो जो है ये आदमी भी पकड़ में आ जाएगा और जो है आपको कुछ तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। अब कितना देने की बात थी और आप कितना दे रहे थे? कि मैंने 5,000 इनको दिया था। और टीम ने जी, ये किस नाम से कुरियर पर चलता था? ओवरनाइट एक्सप्रेस लिमिटेड, ये भगवान दास नगर सिगरा पे। इस प्रकरण में प्रभारी निरीक्षक एंटी करप्शन सेल राम सागर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दरोगा को 5,000 रुपये रंगे हाथ घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है उन्हीं की चौकी से। हाँ जी, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम राम सागर, प्रभारी निरीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी।
अच्छा कौन व्यक्ति पकड़े गए हैं, क्या है प्रॉब्लम? मामला ये है, ये एक श्री राजकुमार गुप्ता हैं, कोरियर कंपनी में वो काम करते हैं। उनके साथ एक और आदमी काम करता था जिसने माल को गायब कर दिया, माल जिस कंपनी के जिस व्यक्ति के नाम पर जाना था उसको ना देकर कहीं बेच दिया, किसी सरवराज आदमी के नाम बेच दिया दुगद्दी पर जाकर। इन्होंने उससे पैसे की मांग किया तो वो एक तो गलत तरीके से फ्रॉड करके बेच भी लिया, दूसरे इनको गाली गुप्ता देने लगा, मारपीट आमादा हो गया, जान माल की धमकी देने लगा। इस पर इन्होंने 156(3) के तहत एक मुकदमा थाना सिगरा में पंजीकृत कराया। उस मुकदमे की बेचना चौकीन चार सोनिया श्री महेश सिंह कर रहे थे और उस विवेचना में कार्यवाही के लिए 5,000 रुपया रिश्वत इन्होंने मांगा। 5,000 रिश्वत जब मांगा तो उन्होंने ना देने की बात सोचते हुए उनको पकड़वाने के नियत से रिश्वत लेते हुए कार्यालय भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी में एक प्रार्थना पत्र कल दिनांक 22/3/19 को प्रस्तुत किया, जिस पर मेरे द्वारा श्री अशोक कुमार सिंह निरीक्षक से जांच कराई गई, प्री टेप जांच जिसको कहते हैं, गोपनीय जांच कराई गई। जांच से बात में सच्चाई पाने पर संगठन के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया और श्री विनोद कुमार यादव निरीक्षक के नेतृत्व में एक ट्रैप टीम बनी जिसमें निरीक्षक श्री संतोष कुमार दीक्षित, निरीक्षक श्री अशोक कुमार सिंह, दो मुख्य आरक्षी नरेंद्र कुमार सिंह, विजय नारायण प्रधान और एक आरक्षी सुनील कुमार यादव हैं। इन लोगों ने शिकायतकर्ता को वहाँ चौक बुलाया कार्यालय पर और डीएम साहब के कार्यालय से दो लोक सेवक साक्षी को लेकर आए, आपस में परिचय कराए और जो विधिक कार्यवाही है उसको पूरा करते हुए चौकी सोनिया पर गए, वहाँ आसपास खड़े रहे। शिकायतकर्ता से चौकी इंचार्ज श्री महेश सिंह ने 5,000 रुपया रिश्वत लिया, जिस पर एंटी करप्शन की टीम जो श्री विनोद कुमार यादव निरीक्षक के नेतृत्व में गई थी उन्होंने पकड़ लिया और रिश्वत के 5,000 रुपये बरामद कर लिया। उनके विरुद्ध वो श्री विनोद कुमार यादव थाना कैंट में भ्रष्टाचार निवारण संगठन अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत करा रहे हैं। ऐसा कहना है कि मिठाई देने की बात थी भाई, ये कहना वो कुछ भी कहें, कहने को तो क्या 5,000 रुपये इसी तरह मिठाई के आपको मिल जाते हैं, हमको मिल जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता। उन्होंने विवेचना के नाम पर पैसे मांगे और रिश्वत लिए, जिस पर पकड़े गए। किन किन वही बेहयाई की इंतहा पार करते हुए आरोपी दरोगा महेश सिंह इस बात को स्वीकार करता है कि 5,000 रुपये उसको मिठाई खाने के लिए मिल रहे थे। देखिए इस घुसखोर दरोगा का क्या है बयान। महेश सिंह कहाँ चौकी पर भरी आप, किसको पकड़े गए हैं, क्या ये मिठाई के लिए पैसा देने आए थे, कोई घूस देने नहीं बोले आए थे? हाँ ना, कोई इनसे कोई विशेष तो जानकारी हुआ कि आप कोई विवेचना था उसमें 5,000 रुपया? नहीं नहीं, तो पहले से खत्म हो चुका था, कोई बात नहीं। अभी आपने कितने दिन हुआ चौकी इंचार्ज में? डेढ़ महीना हुआ। आप आरोपी लग गया इस तरह का? तो लेकिन गलत का बन लगाया गया। कौन व्यक्ति ऐसा है कि आप पर आरोप लगा दिया? पूर्व में विवेचना किया था, बाधित मुकदमा बाधित थे, उसके काम संतुष्ट हो चुका है, लेकिन फिर पता नहीं क्या मन में थी। मिठाई खाने के लिए आपको 5,000 रुपये पैसा आपकी क्या तम गिने भी नहीं थे? प्राइवेट लोग आए थे, हम जानते भी नहीं था, बैठे थे वहाँ पर, कुछ कहा भी नहीं, क्या चीज़ है? हम गिने भी तुम्हें पैसा दे रहा है, तो उसका साथ मिलना चाह रहे हैं हमसे, हम क्या बताओ। इसके पहले आप कहाँ थे? जलसा थे। देखा आपने किस बेहयाई के साथ ये बंदा स्वीकार कर रहा है कि इसको मिठाई खाने का पैसा मिल रहा है। आखिर क्या आरोपी दरोगा पीड़ित का रिश्तेदार है जो मिठाई खाने के लिए पीड़ित इसको 5,000 रुपये दे रहा था? ऐसे कई महेश सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस को बदनाम कर रहे हैं। देखना होगा कि आगे उत्तर प्रदेश पुलिस इनके ऊपर और क्या कार्रवाई करती है। मौजूदा हालात में दरोगा महेश सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं, वाराणसी के कैंट थाने पे इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जा चुका है और ये पुलिस के हिरासत में हैं। अब आगे देखने वाली बात होगी कि कैसे और महेश सिंह पकड़ में आते हैं।